अब हम आगे लेवल सिलेक्शन पे हैं, बाकी सब कोडिंग होगी हमारी, अब आगे लेवल सिलेक्शन की कोडिंग। तो यहाँ पे भी हमें स्क्रिप्ट चाहिए, तो इसका स्क्रिप्ट भी आप एक बना लो, राइट क्लिक सी शार्प स्क्रिप्ट, सी शार्प उसका ना, क्या नाम रख लो, मैं लेवल ही रख रहा हूँ, ठीक हो गया, डबल क्लिक। अच्छा अब यहाँ पे हमें कितने फंक्शन चाहिए, कितने हमारे पास वो हैं, लेवल कितने हैं, 8 लेवल हैं। हर लेवल के बैक पे हमने क्या करवाना है, सीन लोड करवाना है, लेवल चलवाना है, तो 8 फंक्शन चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूं कि गेम एक सीन में भी बन सकती है, फिर वो बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है कि लंबा काम हो जाता है, काफ़ी लंबा, वो आप करोगे आगे मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन आपको मैं करवा रहा हूँ डुप्लीकेट सीन के साथ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, पब्लिक वाइड LV1, जब लेवल 1 ऑन हो, क्लिक हो, तो क्या हो रहा है, कौन सा लेवल ऑन होना चाहिए, एप्लीकेशन डॉट सीन का नाम क्या रखा था हमने, पहले लेवल का नाम क्या रखा था हमने, LV1, ये लोड हो जाए, इसी तरह उठाओ और 8 फंक्शन बना लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। इसका नाम क्या रख दो, लेवल 2, इसके अगेंस्ट कौन सा लेवल लोड करवा दो, LV2, इसका नाम रख दो LV3, इसके अगेंस्ट कौन सा करवा दो LV3, और ये आ गया हमारे पास जनाब LV4, मुझे लग रहा है इसके साथ ही करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, LV4 ठीक हो गया, LV5, LV6, LV6, LV7, LV8, यहाँ पे LV8, ये तो हमने कोडिंग कर ली। हम कहते हैं कि जब ये क्लिक हो, साथ ही हमारे पास क्या हो, लोडिंग आती है, लेवल सेलेक्ट करते हैं, लेवल होते हैं थोड़ा सा हैवी, तो वो ऑन होने में 4 से 5 सेकंड लगा देता है, तो वो फिर स्क्रीन जो है ना आपकी खाली ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो वो यूज़र को बुरा लगेगा, तो उसको यूज़र को बिजी रखने के लिए आप लोडिंग शोडिंग शो करवा देते हैं कि उसको लोडिंग नज़र आती रहे, वो बोर ना हो, तो उसके लिए हमें लोडिंग बनानी पड़ेगी, पब्लिक वाइड गेम ऑब्जेक्ट लोडिंग, हम एक पैनल बना लेंगे, इसके ऊपर लोडिंग लिख देंगे। अब क्या हो, जैसे ही क्या कहते हैं वो हो, लेवल चले तो लोडिंग आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग शो के बाद लोडिंग डॉट सेट एक्टिव ट्रू, ये भी ड्रैग करेंगे बना के उसमें लोडिंग, इस लाइन को उठाओ और सब में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, इतना सा काम है यार, आ गया, स्क्रिप्ट उठाओ और इसके अटैच कर दो, कौन सा था लेवल्स, ये आ गया, अब इसके अंदर लोडिंग बनानी है, राइट क्लिक यूआई मेन्यू पैनल, पैनल बन गया, उसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, उसको दे देते हैं 255 ताकि टोटल ब्लैक हो, और इसके ऊपर नाम लिख देते हैं लोडिंग, और इसके अंदर टेक्स्ट ले लेते हैं, राइट क्लिक यू आई और टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज 500 और 100, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लोडिंग, ये सही है, जो भी आपने सेटिंग करनी हो, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 50, यहाँ पे इसको सेंटर, यहाँ पे इसको जनाब टेक्स्ट, जो आप देना चाहो जैसे देना चाहो, मैंने सिर्फ सरसरी से लिख दिया लोडिंग, इसको ऑफ करवा देंगे, ठीक है, कैनवस पे क्लिक किया, इस लोडिंग को यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ऐसे ही हो रहा था ना, लोडिंग शो करवानी थी हर बटन के अगेंस्ट। अच्छा ये थोड़ी सी मुसीबत है, ये यहाँ पे आएगा, मैंने इमेज के अंदर ही रख दिए थे बटन, ठीक है, अब इन इन बटन के अगेंस्ट फंक्शन भी तो असाइन करवाने हैं,
राइट क्लिक यहाँ पे और यहाँ से कैनवस, ये लेवल वन पे फिलहाल लेवल वन ही बनाया हमने, तो लेवल वन, लेवल टू पे लेवल टू पे कौन सा आ जाएगा, लेवल टू, लेवल थ्री पे कौन सा आ जाएगा, लेवल थ्री, लेवल फोर पे कौन सा आ जाएगा, लेवल फोर, लेवल फाइव पे, लेवल फाइव एंड सिक्स सेवन और एट, ये हमारा सेव हो गया। हम चेक करते हैं, अब देखो सीन भी तो लोड करवाना, तो बिल्ड सेटिंग में हमें सीन वो डालना पड़ेगा लेवल वन, यही हमने कहा था ना कि लेवल वन जब क्लिक हो तो कौन सा सीन आ जाए, लेवल वन। रेड क्लिक किया, लोडिंग शो हो गई, लोडिंग हमने सेट एटीट्यूड क्या करवाई हुई है, ट्रू करवाई हुई है। जब तक सीन लोड नहीं हुआ तो लोडिंग आती रही है, जैसे सीन लोड हुआ है लोडिंग गायब हो गई क्योंकि अगला सीन आ गया है, अगला सीन आया तो ये हमारा जनाब लेवल ऑन हो गया। अब ये क्या हुआ है, 10 सेकंड पूरे हो गए, टाइमर लगा हुआ था, ठीक है आप टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दोगे, यहाँ पे मैं टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे देता हूँ, तो ठीक है यहाँ से अब हम चलाते हैं मेन्यू लेवल सिलेक्शन, ये 98 से स्टार्ट हुआ है, ये आपका लेवल वन ऑन हो गया है, यहाँ पे जाके आपका लेवल क्या हो जाएगा, आपने इस तरह लेवल वन को कंप्लीट करवाना है, फिर तो टाइमर पे होगा ना, सिंपल सी बात है। ये जी हमें लेवल कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट लेवल का हमने क्या कर लिया, लेवल कंप्लीट कर लिया, फेल हमारा टाइमर पे होगा, वो तो वो भी होना है, और पॉज आपने किया हुआ है, पॉज दबाओ तो पॉज, लेवल वन समझ लो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फाइनल शेप में ले आता हूँ लेवल वन को, ठीक है, ताकि आपको जो है वो कोई मसला ना हो। टाइमर आ गया, कंप्लीट पैनल ऑन करो, यहाँ पे लिख दो, ये इसको पकड़ो, बस पकड़ के रख लो। जब लेवल हमारे पास होता है क्लियर, तो हमारे पास पहला बटन होता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिख दो, मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इस उसके बाद होता है रीस्टार्ट, कि आप दोबारा इसको खेलना चाहते हैं, री स्टार्ट, और उसके बाद आर ई एस टी ए आर डी, रीस्टार्ट, आर ई एस टी ए आर डी, रीस्टार्ट, ठीक हो गया। और तीसरा बटन कौन सा होता है हमारे पास, होम पे जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास एच ओ एन, ये हमारे पास लेवल कंप्लीट का पैनल ने फिट करके बना दिया, ओके। उसी तरह हमारे पास इस तरह टेक्स्ट भी इसके अंदर लिख लेना, आप खुद ही लिखना कि लेवल कंप्लीट का टेक्स्ट ऊपर लिखा हो, ठीक है सर। लेवल फेल, इसके अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, पहला होता है लेवल फेल हुआ तो रीस्टार्ट, ऐसे होता है ना, आर ई एस टी ए आर टी, रीस्टार्ट, इसके अंदर लिख लो आप रीस्टार्ट, आर ई एस टी ए आर टी, रीस्टार्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, बस दो ही बटन बना लो आप, इस पर दो ही होते हैं, रीस्टार्ट या होम, सही है, नहीं होम पे चला गया ना एग्जिट, नहीं इसका मतलब है कि आपसे नहीं कि आप होम पे चले जाएँ, कोई और लेवल सेलेक्ट करें या जो भी करना है, मोस्टली इस पर दो ही होते हैं बटन, ठीक है, ये दो हमारे पास बटन आ गए, फिर पैनल भी कंप्लीट हो गया। तीसरा पैनल कौन सा है हमारा, जो मुझसे उसने नहीं सेव हुआ था, पॉज पैनल, उसका नाम मैंने दे लिया पॉज पैनल, ठीक है, ये शो हो गया। पॉज पैनल पे कौन कौन से बटन होते हैं, पहला होता है रिज्यूम, पॉज के बाद रिज्यूम ही होता है ना, आर ई एस यू एम, रिज्यूम, नेक्स्ट होता है हमारे पास रीस्टार्ट, ये ठीक है, रिज्यूम करना है या दोबारा खेलना है या होम, बस पहला चेंज कर दिया हमने, ये आ गया, ये हमारे पास हो गया पॉज पैनल, या तो कोई मसला हो, ठीक है। उसके बाद ये टाइमर को डुप्लीकेट किया, ये हम बना लेते हैं पॉज बटन, पॉज बी टी एन, उस दिन मैंने नहीं बनाया था, वो मुझे डिलीट हो गया था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक लेवल सेट करके अच्छी तरह हर चीज़ ओके करके फिर डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट लेवल करते जाओगे और बस लोकेशन चेंज करोगे और आपका लेवल तैयार है अगला,
ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, ये समझ लो हमारे पास कौन सा बटन है, पॉज का बटन है, ऐसा ही है। जब ये क्लिक हो तो कौन सा लेवल शो होना चाहिए, कौन सा पैनल शो होना चाहिए, कौन सा पैनल शो होना चाहिए, गेम प्ले लोडेड लेवल, कौन सा लोडेड लेवल, पॉज के बटन पे क्या काम होता है, पॉज के बटन पे क्या होता है, पॉज पैनल आएगा ना, सिंपल सी बात है यार। पॉज पैनल मैंने बनाया हुआ है लेकिन मेरा ख्याल है कि कोडिंग भी शायद हुई हो उस दिन। हाँ पॉज, पॉज पैनल सर्विस ट्रू, आरसीसी बटन इज इक्वल टू फास्ट टाइमर, ये रिज्यूम सारा कुछ हुआ हुआ है ठीक है। उसके बाद सिर्फ होम का बनाना है और रीस्टार्ट का भी बना हुआ है, होम का बनाना है ना, पब्लिक वाइड होम पे कहाँ पे जाना चाहिए इसको, एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल और मेन्यू, हम कहते हैं लोडिंग पे चला जाएगा क्योंकि लोडिंग भी शो हो जाएगी और वापस वो लोडिंग से होकर दोबारा ऑटोमेटिक लोडिंग भी, तो कोड लगा हुआ है ऑटोमेटिकली मेन्यू पे चल जाता है, ये लोडिंग पे जाएगा तो साथ ही वो 5 सेकंड के बाद उस पर चला जाएगा। अब इस पर तीनों बटन असाइन हैं, देख लेते हैं फंक्शन, सॉरी इस पर नहीं होगा, एक और बनाना है हमें नेक्स्ट लेवल, कौन सा बनाना है, नेक्स्ट लेवल, पब्लिक वाइड नेक्स्ट, नेक्स्ट पे कहाँ जाना चाहिए, एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल, कहाँ पे भेजें इसको, नहीं नेक्स्ट लेवल क्या चीज़, नेक्स्ट लेवल पैनल किधर है, लेवल सिलेक्शन में, तो हम इसको कहाँ पे भेज देते हैं, लेवल सिलेक्शन में, ठीक है। चलिए रीस्टार्ट पे, रीस्टार्ट पे भी नहीं है, होम पे भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों बटन पकड़ो, प्लस का बटन दबाओ, ये मुझे दे दो, दबाओ, और हमारे पास कहाँ स्क्रिप्ट अटैच है, यहाँ पे अटैच है, नेक्स्ट गेम प्ले, नेक्स्ट रीस्टार्ट पे, ये रीस्टार्ट होम पे, ये और होम, इसी तरह ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब पॉज का बटन हमने कहाँ बनाया था, ये पॉज पैनल है ठीक है, इसके ऊपर रिज्यूम है, रीस्टार्ट है और होम है, प्लस का निशान, गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दीगा रिज्यूम, यहाँ से कौन है, अच्छा गेम प्ले, रीस्टार्ट और यहाँ से होम, ठीक हो गया। तीसरा पैनल हमारे पास कौन सा है, फेल पैनल, फेल पे दो ही बटन है, रीस्टार्ट और होम, इस पर भी हमने ड्रैग किया और हमने रीस्टार्ट पे गेम जेट और रीस्टार्ट और यहाँ से हमने, यहाँ से होम, सारे फंक्शन असाइन कर दिए। अब एक रह गया फंक्शन पॉज बटन पे, ठीक है वो पॉज बटन पे कौन सा होगा, ये और कौन सा पॉज, यही था ठीक है। पैनल सारे ड्रैग हैं, कंप्लीट ड्रैग है, फेल ड्रैग है और पॉज नहीं ड्रैग, पॉज ड्रैग है, टाइमर भी ड्रैग है, ये भी पॉज पैनल सॉरी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आरसीसी बटन, यानी ये कौन से आएंगे आरसीसी बटन, ये मैंने उस दिन बटन ले लिए थे ना सारे, इसमें एक ले आप यहाँ पे पैनल आरसीसी, क्योंकि बटन हमने छुपाने हैं जब पॉज वगैरह हो तो बटन हमने छुपाने हैं, तो आप यहाँ पे एक ले लो पैनल, इस पैनल के अंदर यहाँ पे रख लो आरसीसी के अंदर, क्योंकि आरसीसी के बटन छुपाने हैं, इसका नाम कुछ भी रख लो आप, इसका जो जो चीज़ें ऑन है आरसीसी के बटन, ये सारे उठाओ और इसके अंदर रख दो, इसका नाम लिख दो आरसीसी बटन, इसको उठाओ, जो हमने कोड किया हुआ कि आरसीसी बटन हाइड हो जाए वो इसके अंदर दे दो, लो जी सारा ओके है। हम चेक करते हैं लेवल सिलेक्शन है, लोडिंग आई, गाड़ी चली, ये 00 आ रहा है क्योंकि मैंने उसको डुप्लीकेट किया था, टेक्स्ट ख़त्म कर लेना है इसका। अब ये पॉज के ऊपर आ रहा है क्योंकि ये हायरार्की में उससे नीचे पड़ा है पैनल से, इसको आप ऊपर कर दोगे तो छुप जाएगा, रिज्यूम किया वहीं से चला, हाँ एक इशू आया, वो ये आया
कि आरसीसी कैनवस में हमने जो लिया है ना ये पैनल, उसकी पिक्चर नहीं हाइड करे भाई, वो धुंधला सा हो गया था। और यहाँ से इस पॉज बटन को भी ऊपर कर दो, यहाँ पे बस यहीं से चला रहा हूँ मैं डायरेक्ट। पॉज किया, रिज्यूम किया, वहीं से स्टार्ट, रीस्टार्ट की, दोबारा स्टार्ट, होम पे गया और होम पे लोडिंग पे आ गया। लोडिंग से 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली सब रहे हो, एकदम बटन चेक करवा ला हूँ, कोडिंग करनी हो वर्किंग तो चेक करवा लें। आपका जहन बाहर तक जाने के लिए ना, अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है लास्ट, वो कि हमने गेम को पॉज करके होम पे भेजा है, तो यहाँ पे टाइम स्केल 0 हो गया और लेवल हमने लोड करवा दिया। तो आप जब होम पे भेजो तो यहाँ पे टाइम स्केल क्या कर दो, टाइम डॉट टाइम स्केल इजिकल टू 1, क्योंकि वो जाता हुआ 0.7 ले गया। यहाँ तो उस फंक्शन में जाके स्टार्ट 1 करो, लोडिंग के स्टार्ट में मैंने नहीं मन किया टाइम स्केल, यहाँ जैसे 1 भेजो, बस एक बार चेक करवा लो फिर। बस यहाँ से हम होम पॉज करके जाते हैं होम पे, अरे 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आ गया, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि हमने टाइम स्केल 0 करके भेजा था। ये आ गया पैनल, ये लेवल, अभी गेम फेल हो रहा सारा कुछ। ठीक है, कल इंशाल्लाह करेंगे आगे काम, बहुत है इतना।